नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ई बुक पब्लिशिंग के पहले हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ई बुक पब्लिशिंग एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अपनी बुक का ई कंटेंट सेव करते हैं और उसको पब्लिश करते हैं ताकि आपको उससे कुछ अर्निंग हो सके। सभी का एक मोटो होता है कि उसका जो भी लेखन कार्य है उससे उसको कुछ अर्न हो, मनी मेकिंग हो। तो यदि हम इसमें सावधानियाँ नहीं बरतेंगे तो इससे हमें लॉस हो सकता है। और इसी के रिगार्डिंग हमें एक मेल मिला है गूगल की तरफ से। गूगल प्ले पार्टनर का जो हमारा सेंटर अकाउंट था उससे हमें एक मेल मिला है जिसमें हमें बताया गया है कि हमारे जो कंटेंट में क्या कमी थी और उसमें क्या कमी रह गई जिससे हमारा जो अकाउंट था वो डिसअप्रूव हो गया है। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, हमारा एक जो मेल है उसमें डिसअप्रूवल का कंफर्मेशन इसमें हमें मिला है और हमें पता चला है कि किस तरीके से इसमें हमें दिक्कत हुई है इस वाले मेल में। इसको हम डिटेल में अब जानेंगे और साथ ही साथ मैं कुछ एडिशनल चीज़ें भी आपको बताऊंगा कि आपको टिप्स के रूप में किस तरीके से क्या करना है। चलिए हम मेल पर शिफ्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमें मेल मिला है और कहाँ से ये मिला है हम इसको भी देख लेते हैं। books-support@gmail.com ये इस तरीके से यहाँ से हमारे पास आया है। इसमें क्या लिखा है, हेलो, वी हैव डिसअप्रूव्ड द गूगल प्ले बुक्स पार्टनर सेंटर अकाउंट फॉर भगवा प्रेमी पब्लिकेशंस इन अकॉर्डेंस विद अवर पॉलिसीज। तो मैंने जो जो गलतियाँ की थी उनको मैं स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ। इसमें सबसे ये गलती थी कि ये जो मेरा नाम था रेंडमली मैंने ऐसे ही नाम ये दे दिया था। हालांकि इससे बड़ी प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रही है क्योंकि ये नाम कोई भी दे सकता है पब्लिकेशन वाला, उसका चाहे वो पब्लिकेशन रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। और इसमें जो पब्लिश करने वाला है या राइटर है या ऑथर है वो अपना नाम भी इसमें दे सकता है, इसमें कोई इशू बड़ा नहीं है। हालांकि हमारा अभी इस नाम से पब्लिकेशन रजिस्टर्ड नहीं है, अभी मैंने ऐसा ही रेंडमली दे दिया था क्योंकि हमारा इसी नाम से हर काम होता है और हमारा यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से है और हो सकता है फ्यूचर में हम इसी नाम से पब्लिकेशन भी खोलें जब हमारे पास में कंटेंट की बहुत अधिकता रहेगी उस समय। इसके बाद में आगे पढ़ते हैं, अवर कंटेंट पॉलिसीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एंश्योरिंग अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस बोथ अवर यूजर्स एंड पब्लिशिंग पार्टनर्स, वी डू नॉट परमिट। तो इनमें से क्या क्या चीज़ें वो परमिट नहीं करने वाले हैं और ये जो एक्सपीरियंस है पब्लिशर का और यूजर्स का जो कि बुक्स को रीड करते हैं, ई कंटेंट पढ़ते हैं, उनका दोनों का एक्सपीरियंस सही रहे और उसमें किसी भी तरीके का कोई लॉस ना हो उनका, रीडर्स का भी, उन्हें ये ना लगे कि हमने जो भी ये बुक्स परचेज़ करी हैं उसमें हमें लॉस हुआ है और इसमें कंटेंट दमदार नहीं है। तो इसमें नंबर पॉइंट वन है, कंटेंट विद मेटा डाटा दैट इज़ कन्फ्यूजिंगली सिमिलर टू एग्जिस्टिंग बुक्स इंक्लूडिंग मिसलीडिंग टाइटल्स एंड अदर नेम्स डिस्क्रिप्शंस और कवर्स। इसमें किसी भी तरीके से आपके ई बुक में कोई ऐसा डेटा नहीं होना चाहिए जो ऑलरेडी किसी दूसरी बुक में यूज किया गया हो और इसमें जो आपका जो टाइटल है वो दूसरा हो और उसके अंदर का जो मटेरियल हो वो अलग हो। ऑथर नाम यानी कि ऑथर जो राइटर है उसका नाम अलग नहीं होना चाहिए, जो ओरिजिनल ऑथर है उसी का नाम होना चाहिए और उसके अंदर यदि आप मेंशन करते हैं तो उसका जो कवर पेज पर और अंदर सेम नाम होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं वो मैच होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, उसमें भी मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए और जो आप कवर बना रहे हैं वो भी बुक से रिलेटेड ही होना चाहिए। तो इसमें एक टिप्स मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा, जो आप बुक देते हैं उसमें आप किसी भी तरीके का कोई रेफरेंस ना दें। रेफरेंस यदि आप देते हैं तो हो सकता है कि आपकी बुक पब्लिश भी हो जाए, लेकिन उसमें एक चीज़ मैं क्यों ये चीज़ कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि रेफरेंस हम उसी चीज़ का देते हैं जब हम किसी दूसरे का कंटेंट रीड करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ उसमें से पार्ट हम अपनी बुक में ऐड करते हैं। तो ज़्यादातर जैसे हम डिसर्टेशन या फिर प्रोजेक्ट वर्क या रिसर्च वर्क पर हम जब कार्य करते हैं उसमें हम रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन जब हम ई बुक पब्लिश करते हैं या हमारा हार्ड कवर में जब बुक होती है या फिर पेपरबैक में बुक पब्लिश होती है उस समय हमें रेफरेंस नहीं देना है, रेफरेंस देने से हमें बचना है। इसमें ये क्लियर हो जाता है कि हमने किसी न किसी का डेटा उठाया है या उससे हमारा डेटा मैच करता है। तो इन्हें क्या होता है, ई पब्लिशर्स जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन्हें यूनिक कंटेंट चाहिए होता है और गूगल पर कहीं पर भी इजीली अवेलेबल नहीं होना चाहिए। द ट्रांसमिशन ऑफ मालवेयर वायरसेस और एनीथिंग दैट मे डिसरप्ट द सर्विस और हार्म अदर्स, आपके डेटा में किसी भी प्रकार का मालवेयर या वायरस कंटेन नहीं होना चाहिए। स्पैम विच इंक्लूड्स वट इज़ नॉट लिमिटेड टू अनवांटेड प्रमोशनल और कॉमर्शियल कंटेंट, कंटेंट दैट कैन बी इजिली फाउंड ऑनलाइन फॉर फ्री जैसा कि मैंने बताया आपको, एंड अनवांटेड और मास सॉलिसिटेशन, अनसेटिस्फैक्ट्री कंटेंट सच एज ब्लैंक पेजेस और पुअरली फॉर्मेटेड टेक्स्ट इमेजेस। अब इसमें ये काफ़ी देखने वाली चीज़ है कि अनसेटिस्फैक्ट्री कंटेंट जिससे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा हो, आपका ऊटपटांग लिखा हुआ है,
और उसमें ब्लैंक पेज आपने डाल रखे हैं, उसमें कुछ भी कंटेंट नहीं है, ना तो उसमें इमेज है, ना ही टेक्स्ट है। इसके बाद में पुअर फॉर्मेटेड, जो आपकी फॉर्मेटिंग है, जो फॉर्मेटिंग ठीक से नहीं करी गई है, उसमें कलर कॉम्बिनेशन नहीं है, और उसमें आपका फॉन्ट एरर्स हैं, काफ़ी सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं या एरर्स हैं। और इसके बाद आपके जो इमेजेस हैं वो काफ़ी ब्लर हो रहे हैं और हाई क्वालिटी की नहीं है, उसका रेजोल्यूशन ख़राब है, पिक्सल्स फट रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें यदि आपके बुक्स में हैं तो वो डेफिनेटली अच्छी नहीं मानी जाएंगी। और जो भी आप इस इमेजेस इस्तेमाल करें उसको आप ध्यान रखें कि अच्छे कैमरे का यूज़ किया गया हो, DSLR को आप प्रेफरेंस दें, और आपके खुद की जो इमेजेस हैं उनको आप इसमें डालें, और जो भी आप बुक लिखें तो उनको आप अपने जेन्युइन कंटेंट के साथ में इमेजेस डालना ना भूलें। इमेजेस से क्या होता है कि आपका रीडेबिलिटी बढ़ जाती है और एक अच्छा एक्सपीरियंस पढ़ने वाले के पास में होता है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ विजिट, यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने यहाँ पर पब्लिशर कंटेंट पॉलिसीज और गूगल प्ले स्टोर, यहाँ से आप कंटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ रिप्लाई टू दिस ईमेल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और कंसर्न्स। थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन। अब भाई इन्होंने जो है हमारा अकाउंट तो डिसअप्रूव कर ही दिया है, अब इससे क्या होने वाला है, कुछ नहीं होगा, और हमें शुरुआत करनी होगी नए अकाउंट से, और हम इसमें फिर से अकाउंट बनाएंगे और फिर से अप्रूवल के लिए भेजेंगे। और उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब हम इसको भेजेंगे तो हमारे पास में अच्छा डेटा हो। और साथ ही साथ मैं आपको शुरू से एक शॉर्ट में एक टिप्स फिर से देना चाहूँगा कि आपकी जो बुक हो उसका कवर पेज बढ़िया हो, बेहतरीन हो, और उसमें कलर कॉम्बिनेशन अच्छा हो, नाम आप जो ऑथर का नाम है स्पष्ट दिखाई दे रहा हो, बहुत ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। जो टाइटल है टाइटल से छोटा हमेशा रखें, टाइटल बड़ा होना चाहिए, टाइटल से छोटा होना चाहिए आपका ऑथर का नेम। इसके बाद में उसमें एक इमेज जरूर लगाएं, इमेज आपकी ब्लैक एंड वाइट भी हो सकती है, चलती है, लेकिन उसमें कलर कॉम्बिनेशन इस तरीके का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ब्लैक कवर दे दिया और ब्लैक फॉन्ट है तो उसमें आपका स्पष्ट रूप से दोनों चीज़ें डिफरेंस नहीं हो पाएगा, और आपका ब्लैक बैकग्राउंड में ब्लैक फॉन्ट आपका अपीयर नहीं हो पाएगा, डिसअपीयर रहेगा वो। तो इस तरीके की चीज़ें आप ध्यान रखें। इसके बाद में जो आपका फर्स्ट पेज है कवर के अलावा इनसाइड का फर्स्ट पेज, उसको भी आप अच्छा से रखें, उसमें भी आप ऑथर नेम दें और पब्लिशर का नाम दें, उसमें उसमें उसके ऊपर भी एक टाइटल टाइटल रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट इनसाइड वाला आपका सेकंड पेज जो रहता है उसमें आप पब्लिशिंग डेट दे सकते हैं, पब्लिशिंग ईयर दे सकते हैं, आप उसमें कॉपीराइट का मेंशन कर सकते हैं, आप उसमें कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, पब्लिशर का जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वो दे सकते हैं, ऑथर का दे सकते हैं। इसके बाद में जो तीसरा पेज है अंदर वाला, उसमें आप ऑथर का जीवन परिचय या शॉर्ट बायोग्राफी भी दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जो कवर पेज है उसका जो लास्ट पेज है, बुक का जो लास्ट पेज है उस पर आप कलर्ड में एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लगा करके भी ऑथर का परिचय दे सकते हैं। साथ में यदि आपने कोई अदर बुक्स पब्लिश करी हैं तो उन बुक्स के कवर पेजेस को लेकर के उन बुक्स का भी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप लास्ट के पेज में या अंदर के किसी भी पेज में वर्णन कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि उसको पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई असावधानी ना हो, कोई ऐसा ना लगे कि ये ठीक नहीं है, यहाँ पर जहाँ पर उसको मिसप्लेस होना, जहाँ पर प्लेस होना चाहिए वहाँ पर वो ठीक लगे। जैसे कि कुछ बुक्स आप देख लीजिए पहले आप जो पढ़ते हैं उन बुक्स में आप देख लीजिए पीछे छपा है आगे छपा है, उसी तरीके से आप कर सकते हैं उसको। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें पीछे होनी चाहिए, जैसे कि आपकी अब प्रीवियस बुक्स का वर्णन है और ऑथर का बायोग्राफी है, दो में से एक चीज़ आप पीछे रखिए और आगे, और फर्स्ट सेकंड पेज मैंने बता ही दिया क्या रखना है। इसके बाद में जब आप शुरुआत करेंगे अपने कंटेंट की, तो कंटेंट शुरू करने से पहले आप उसमें इंडेक्स जरूर बनाएं, कंटेक्ट जो आपकी कंटेक्स्ट है उसको जरूर बनाएं, आप इंडेक्स बनाएं। इंडेक्स से क्या होता है कि आपका पूरा साइड मैप बन जाता है, साइड मैप से आपको पता चल जाता है कि अंदर क्या क्या है और किस पेज नंबर पर है, पेज नंबर भी अवश्य मेंशन करें। और जो ऊपर है प्रत्येक पेज, पेज के ऊपर आप जो बुक है बुक का टाइटल भी आप दे सकते हैं, और जो नीचे है नीचे आप पेज नंबर दे सकते हैं या कॉर्नर में दे सकते हैं, अपर राइट कॉर्नर या लोअर राइट कॉर्नर पर आप पेज नंबर दे दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप यदि लेफ्ट कॉर्नर पर देंगे तो वो बाइंडिंग से दबने का डर रहता है। हालांकि ये ई बुक पर लागू नहीं होता है, जो आपका PDF होता है उसमें आप किसी भी कॉर्नर पर आराम से विजिबल होगा, लेकिन फिर भी आप उसको राइट कॉर्नर पर रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद में आप ऑथर का नाम नीचे दे सकते हैं पेज नंबर के बगल में, लेकिन ये ज़्यादातर अच्छी बुक्स होती हैं उनमें आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए मैं रिकमेंड इसके लिए नहीं करूँगा। इसके बाद में आप जो भी इनकी पॉलिसीज़ हैं पब्लिशर्स की वो आराम से आप पढ़ लीजिए, उनमें कहीं आपका कंटेंट मैच नहीं कर रहा है तो आप उसको मत डालिए, उसको आप रीड आउट करिए। प्रूफ रीडिंग बहुत ज़रूरी है, किसी एक्सपर्ट से आप अपनी बुक को पढ़वाइए, वहाँ पर जो भी कमियाँ हैं उनको सॉर्ट आउट कीजिए, आप स्वयं उसको एनालिसिस कीजिए, उस पर अमल कीजिए और उसको एक्सपेरिमेंटल वे में लेने की कोशिश करिए। यदि कहीं कोई मिस्टेक है तो उसको एडिट करके सही कीजिए, कम से कम 2 बार प्रूफ रीडिंग होना ज़रूरी है, और स्पेलिंग मिस्टेक ग्रामेटिकल एरर उसमें बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, ताकि आगे आने वाले एडिशन में वो बिल्कुल 100% प्योरिटी के साथ में पब्लिश हो सके। तो इस वीडियो में मैंने काफ़ी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इस तरीके के मेल से बच जाएंगे और आप आराम से पब्लिश कर पाएंगे। आप लोगों को बेस्ट विशेस के साथ में मैं आप लोगों को यहीं
छोड़ के जा रहा हूँ। आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।